नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल मोक्स में। क्रिप्टो न्यूज़ में सबसे पहले, ब्राज़ील के लोग अपना इनकम टैक्स अब क्रिप्टो में दे पाएंगे। ब्राज़ील गवर्नमेंट अब टैक्स पेइंग के लिए क्रिप्टो भी एक्सेप्ट कर रही है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। क्रैकन एक्सचेंज की स्टेकिंग सर्विस पर लगे SEC के जुर्माने के केस में अब कॉइनबेस भी क्रैकन के साथ में आ गया है और SEC से फाइट करने के लिए कॉइनबेस तैयारी कर रहा है। तो हमने कल ये न्यूज़ कवर किया था कि क्रैकन के ऊपर SEC ने उसकी स्टेकिंग सर्विस के ऊपर कुछ सवाल उठाए थे और उसके कारण उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया था, उन्होंने पे किया। उसके बाद कॉइनबेस भी अभी SEC के रडार के ऊपर है, तो कॉइनबेस अभी क्रैकन को सपोर्ट कर रहा है इस फाइट के अंदर। बाइनेंस के CEO ने वार्न किया है, क्रिप्टो इंडस्ट्री पर एक गहरा प्रभाव पड़ सकता है अगर BUSD को एज अ सिक्योरिटी ट्रीट किया जाएगा। तो हमें पता है कि पैक्सोस और BUSD के ऊपर SEC की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और बाइनेंस नहीं चाहता है कि BUSD सेंट्रलाइज बने, उसे एज अ सिक्योरिटी ट्रीट किया जाए। मगर SEC ने उसकी मिंटिंग और विड्रॉल पर सवाल उठाए हैं, जिससे BUSD के ऊपर प्रेशर देखा जा रहा है। पैक्सोस इस इन्वेस्टिगेशन के कारण BUSD की मिंटिंग बंद कर सकता है। अभी हमें पता है कि बाइनेंस की जो BUSD है उसकी मिंटिंग पैक्सोस कंपनी कर रही है, इसलिए ये मामला बाइनेंस के लिए बेहद सेंसिटिव है। और आज US का CPI इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला है और माना जा रहा है कि इस डेटा में इन्फ्लेशन रेट पिछले क्वार्टर से कम आने का अनुमान है, तो बाज़ार में इसके पॉजिटिव रिएक्शन आने की संभावना थोड़ी बनी हुई है। हालांकि बाकी स्टॉक मार्केट तो अभी फ्लैट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन क्रिप्टो के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर अपर डायरेक्शन के अंदर हमें मूव दिखने को मिल सकता है। तो ये थी क्रिप्टो जगत की कुछ न्यूज़। अभी चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। कल बिटकॉइन 21,376 का लो बना करके अभी 21,767 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी यहाँ पर मजबूत आई है क्योंकि CPI इन्फ्लेशन डाटा पॉजिटिव आने का अनुमान है, इसके कारण मार्केट पहले से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन एक तरफ BUSD की इन्वेस्टिगेशन, उसके ऊपर उठाए गए SEC के सवाल का भी थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है, तो ऐसे में जो बड़ा जंप आना चाहिए, जो बड़ा पंप आना चाहिए, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर डेटा पॉजिटिव आता भी है और बिटकॉइन यहाँ से पंप भी लेता है, तो वो पंप सस्टेन नहीं करेगा क्योंकि और भी न्यूज़ है जो इस पंप को सस्टेन करने नहीं देगी। तो ऐसे में यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऐसे में आप लॉन्ग करके मत बैठ जाना, क्योंकि वापस से बिटकॉइन करेक्ट होना है। क्योंकि जब तक BUSD का मामला जो है वो सेटल नहीं होगा, तब तक मार्केट के अंदर एक अच्छी तेज़ी नहीं आएगी, क्योंकि वो स्टेबल कॉइन है और स्टेबल कॉइन के ऊपर अगर इन्वेस्टिगेशन है, उसका नतीजा जब तक नहीं आता है, तब तक हमें यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। तो जब भी उछाल मिलता है तो वैसे में आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग करने की यहाँ पर कोई सलाह नहीं होगी। अगेन मैंने टेलीग्राम के ऊपर XRP को बाय करने के लिए बोला था, एक लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए बताया था 0.365 के ऊपर, और अभी 0.3709 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। तो हालांकि यहाँ पर 12-13% का अगर 10x अगर आप लिवरेज लेते हैं, तभी भी यहाँ पर इतना प्रॉफिट आपका बन जाता है। तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा के आप उसको ट्रेल करके अपना प्रॉफिट को बांध सकते हैं। और XRP के अंदर फिर भी अगर कभी डिप मिलती है तो उसमें बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि जो मेजर सेलिंग है वो अभी पूरी हो चुकी है और यहाँ पर जो रियल बाइंग है वो आना स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे में यहाँ पर हमें बड़ा पंप भी देखने को मिल सकता है। तो XRP बाय ऑन डिप। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।